पुष्पा त्रिपलार जैसी बड़ी मूवीज को भी टक्कर दे ऐसी मूवी है कंतारा, जिसने कन्नाडा इंडस्ट्री में ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा में भौकाल मचा दिया है। और आज हम इसी फिल्म का आप सभी की डिमांड पर हिंदी में फुल मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे पहले आप एक लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में ही सन 1847 का एरिया दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक राजा देखने को मिलता है। राजा के पास वो सब कुछ होता है जो एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं रहता। और अपने मन को शांत करने के लिए राजा कई सारी तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। और जब भी एक बार जंगल जाते हुए अपने महल लौट रहे थे, तब अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए वो जंगल के बीचों बीच जंगल वासियों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक डेमीगॉड के बारे में पता चलता है, जो कि कबीले में से ही एक व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में आए हुए थे। तभी राजा डेमीगॉड से अपने पैलेस में चलने के लिए कहते हैं, ताकि राजा को जिस शांति की तलाश थी वो उन्हें मिल पाए। लेकिन डेमीगॉड पैलेस में जाने पर एक शर्त रखते हैं कि जहां तक उनकी आवाज़ जाएगी, वहां तक की सारी जमीन गांव वालों को दे दी जाएगी। और ऐसा ही होता है, गांव वाले भी अब एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और राजा को भी मन की शांति प्राप्त होती है। और इसके बाद हमें 1970 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें ये स्टोरी शिवा को उसके पिता ने ही सुनाई थी। और अब एक लैंडर गांव वालों से उनकी जमीन वापस लेना चाहता है, क्योंकि वो राजा का वंशज था और ना ही वो किसी डेमीगॉड पर विश्वास रखता था। और गांव में हर साल एक इंसान डेमीगॉड को परफॉर्म करता था, और गांव वालों का मानना था कि जो भी कोई ये परफॉर्म देता है, डेमीगॉड उसके अंदर आ जाते हैं और गांव वालों की विश पूरी करते हैं। तभी परफॉर्मेंस का दिन आता है और शिवा के पिता डेमीगॉड का परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी लैंडलॉर्ड डेमीगॉड से अपनी जमीन वापस मांगता है। तब डेमीगॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये जमीन वापस कर सकता हूँ, पर क्या तुम वो सुकून वापस कर सकते हो जो मैं तुम्हारे परिवार को इतने सालों से देता आ रहा हूँ। और डेमीगॉड गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाते हैं और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आते। अब डेमीगॉड तो शिवा के पिता ही थे, तो वो भी कभी वापस लौट कर नहीं आते। और कुछ दिन बाद ब्लड क्लॉथिंग की वजह से उस लैंडलॉर्ड की मौत हो जाती है। और इसके बाद मैप 1990 का दिखाया जाता है, जहां पर लैंडलॉर्ड देवेंद्र बफेलो से रेस करवा रहा था। ये उसी लैंडलॉर्ड का बेटा था जिसकी ब्लड क्लॉथिंग की वजह से मौत हो गई थी। और धर्मा और शिवा के बीच हुई रेस में शिवा जीत जाता है, और इस पर धर्मा गुस्से में शिवा से लड़ने लगता है, जिस पर देवेंद्र शिवा का साथ देता है और धर्मा को भगा देता है और शिवा को मेडल भी देता है, क्योंकि शिवा लैंडलॉर्ड के लिए ही काम करता था। शिवा एक आवारा लड़का होता है जो भी कुछ भी काम नहीं करता है, जिस पर उसकी माँ चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और शिकार पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर मुरली जंगल से लकड़ी काटने वाले लड़कों को बुरी तरह पीट रहा होता है। इतने बड़े ऑफिसर आ जाते हैं और वो मुरली को समझाते हैं कि वो उन्हें इस तरह से नहीं मार सकता, क्योंकि जंगली लोग इसी तरह पले बड़े हैं, उनसे उन्हें बहुत समझदारी से बात करनी होगी। और फिर शिवा जंगल में बियर का शिकार करने जाता है, जहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता हुआ बियर का शिकार करने लगता है। और रात को शिवा को एक डरावना सपना आता है, जिसमें एक खूंखार जानवर शिवा को डरा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ मुरली जंगल के बारे में पूछताछ करने लैंडलॉर्ड के घर जाता है, और तभी लैंडलॉर्ड मुरली को अपनी बातों में फंसा कर उसे अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मुरली एक ऐसा ऑफिसर था जिसने अपनी जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं खाई थी। और फिर मुरली अपने ऑफिसर के साथ जंगल को रिजर्व करने की प्लानिंग करता है। तभी शिवा एक फेस्टिवल में जाता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड लीला भी आई हुई होती है, जिसे देखकर वो उससे काफी मजाक मस्ती करने लगता है। इतने में वहां पर मुरली आ जाता है और वो पटाखे जलाने से मना करता है, लेकिन शिवा नहीं मानता और इन दोनों के बीच बकैती शुरू हो जाती है, लेकिन गांव वाले लड़ाई होने से रोक देते हैं। अगले दिन लीला के डैडी शिवा के पास आते हैं और लैंडलॉर्ड से लीला की सिफारिश करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अभी अभी फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही आई थी। शिवा की सिफारिश करने पर लीला को भी जॉब मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जंगल को रिजर्व करने की ट्रेनिंग कर चुका था और भी लीला को लेकर गाँव वालों के पास जाता है, ताकि वो गाँव वालों को अच्छे से समझा सके, लेकिन गाँव वाले इसके लिए राजी नहीं होते हैं, क्योंकि एक जंगली था जिसे वो अपना संसार मानते हैं। शिवा इसे रोकने की कोशिश करता है, तभी मुरली एक फायर करता है और शिवा को बांध देते हैं और फिनिशिंग लाइन बनाकर कैंप के गड्ढे खोदकर चले जाते हैं। और रात को जब लीला शिवा से मिलने आती है, तो शिवा लीला को धक्का देकर गड्ढों में मिट्टी डालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही लैंडलॉर्ड चालाकी से सभी गाँव वालों के अंगूठों के निशान ले लेता है और ये सब शिवा को पता भी नहीं होता है। और अगले दिन रात होते ही लैंडलॉर्ड अपनी अप्सरा से मिलने जंगल में जाते हैं, जिसकी रखवाली शिवा कर रहा होता है। और फिर तभी शिवा को वही आवाज़ सुनाई देती है जो शिकार के टाइम पर दी थी। जैसे ही शिवा आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है, अचानक डेमीगॉड उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर शिवा भागने लगता है और जिसे देख लैंडलॉर्ड को भी नंगा ही भागना पड़ता है। और फिर अगले दिन शिवा लकड़ी काटने जाता है, जिसकी खबर धर्मा मुरली को दे देता है
और मुरली रंगे हाथों पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। और जैसे ही मुरली की जीप जंगल में एंटर करती है, एक भारी सा पेड़ मुरली की जीप पर आ गिरता है, जिससे मुरली को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसलिए पुलिस शिवा को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है, जबकि शिवा अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर छुपा हुआ था। और दो इंसान एक घर में क्या करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। और अगले दिन जब लीला और शिवा जंगल में गुलू गुलू कर रहे होते हैं, तभी मुरली उसे अरेस्ट कर लेता है। तभी डेमिगॉड गुरबा के सपने में आते हैं और उसे शिवा को पुलिस से छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि गुरबा ही वह इंसान था जो डेमिगॉड को परफॉर्म करता था, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड एक चाल चल रहा था, वो गुरबा को अपनी कार में बैठा कर अपने घर लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस जमीन में से कुछ हिस्सा दे दूंगा अगर तुम इस फेस्टिवल में ये कहो कि। डेमिगॉड का कहना है कि ये जंगल ये जमीन लैंडलॉर्ड को वापस कर दी जाए, क्योंकि इस पर इन्हीं का अधिकार है। लेकिन इस पर गुरबा राजी नहीं होता है, क्योंकि वो गाँव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता था। तभी फेस्टिवल के दिन अचानक गुरवा की डेड बॉडी मिलती है। और दूसरी तरफ मुरली को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने गांव वालों की सारी जमीन अपने नाम कर ली है, और ये भी समझ जाता है गुरवा का मर्डर भी लैंडलॉर्ड ने ही किया है। तभी लैंडलॉर्ड शिवा को जेल से निकलवा लेता है और शिवा को बताता है कि मुरली ने गुरवा को मार दिया ताकि वो डेमिगॉड का परफॉर्म ना कर पाए। और शिवा गुस्से में मुरली को मारने निकल जाता है, जिसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बताता है कि हमने गुरवा की डेड से पहले उसे लैंडलॉर्ड की कार में देखा था। और तभी वो सब समझ जाता है और इसके बाद वो लैंडलॉर्ड के पास आता है और लैंडलॉर्ड को धमकी देता है कि तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। और मुरली भी जंगल में आकर सभी को सब कुछ बता देता है कि लैंडलॉर्ड ने कैसे उनके साथ धोखा किया। और तभी सिपाही वहाँ आ जाता है और यही बताता है गुरवा का मर्डर भी लैंडलॉर्ड ने ही किया है। और मुरली से साथ मांगता है, लेकिन लैंडलॉर्ड उनसे पहले ही हमला कर देता है, जिसमें शिवा का दोस्त मारा जाता है। और शिवा गुस्से में लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लैंडलॉर्ड का एक आदमी शिवा को मारकर एक पत्थर पर फेंक देता है, जो डेमिगॉड का ही सिंबल था। और तभी शिवा के अंदर डेमिगॉड आ जाते हैं और फिर वो लैंडलॉर्ड का सिर काट कर ही रुकते हैं। और फिर वो अचानक से परफॉर्म करते हुए जंगल में भाग जाते हैं। वहाँ उसे एक और डेमिगॉड मिलते हैं, जो शायद शिवा के पिता ही थे, जो सालों पहले भाग गए थे। लास्ट में एक शैतान की झलक देखने को मिलती है, जिसकी फेस के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।